हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर इज 1 × 10⁻⁸ न्यूटन। इफ टोटल मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज 5 kg, देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन kg आर। सो बच्चों, मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2, टोटल मास है 5 kg। इट मीन्स m1 प्लस m2 की वैल्यू है हमारे पास 5 kg। तो हम फर्स्ट मास को अगर मान लेते हैं m, तो सेकेंड रिमेनिंग मास क्या होगा? 5 - m होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस गिवन है हमें, दैट इज r, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻¹ m। अब बच्चों, गिवन है हमें फोर्स की वैल्यू 1 × 10⁻⁸ न्यूटन, और हमें फाइंड करनी है ये दोनों मासेस की वैल्यू, यानी कि m एंड 5 - m। तो इसके लिए हम लोग सपोर्ट लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, विच इज एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू है 10⁻⁸ इक्वल टू जी की वैल्यू SI में 6.67 × 10⁻¹ⁱ। m1 की वैल्यू है m, और m2 को एक्सप्रेस करेंगे 5 - m से, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। सो बच्चों, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 40 / 6। तो हम देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से ये क्वान्टिटीज जब शिफ्ट होंगी, तो मिलेगा 4 × 10⁻¹० इक्वल्स टू 40 / 6 × 10⁻¹ⁱ × 5 m − m². सो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसल्ड, 10 ये आ गया 10। अब हमें मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6, और ये जो पूरा आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 10⁻⁰। तो 10⁻－⁰ भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा 6 = 5 m − m². सो हम लिख सकते हैं m square, देन लिख सकते हैं हम −5 m + 6 = 0। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, सो दिस इज m² − 2 m − 3 m + 6 = 0। तो m इज कॉमन, सो m − 2, देन −3 इज कॉमन, तो m − 2 = 0। तो बच्चे, हमें यहाँ से दो फैक्टर्स मिल जाते हैं, m − 2 m − 3 = 0। तो हमें m की दो वैल्यूज क्या मिल जाएंगी? एक वैल्यू मिल जाएगी 2 kg, एंड अनदर वैल्यू विल बी 3 kg। तो ये 5 kg मासेस मीन्स क्या, अगर एक मास को मान लें हम 2 kg, तो दूसरा मास हो जाएगा हमारे पास 5 - 2, यानी कि 3 kg। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।